Hey, this is Dheeraj from RevHead and I'm back with another video. So guys, आज बात करने वाले हम Triumph Speed 400 के बारे में. So ये bike इस time पे बहुत value for money है, specially 400 segment में. और ये बहुत सुंदर बाइक है एंड स्पेशली इसका फिट एंड फिनिश है जो बाइक का वो बहुत अच्छा है, जो इस बजट में कोई भी कंपनी आपको इस टाइम पे प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है. एंड स्पेशली थैंक्स टू ट्रायम्फ एंड बजाज पार्टनरशिप, जो बजाज की स्पेशली जो सप्लाई चेन थी उस सब के बिना ये पॉसिबल नहीं था इतने कम बजट में इन सब चीज़ों को लॉन्च करना. तो इसमें जैसे कि एक एक चीज़ की फिट एंड फिनिश, जैसे कि ये स्लाइड देखो, ये कितनी प्रीमियम फील होती है. यहाँ पे ट्रायम्फ का लोगो एंड इथेनॉल 20 का स्टिकर. और एज आपको पता ही होगा BS6 फेज 2 के बाद सारी गाड़ियाँ इथेनॉल 20 पे चल रही हैं. और ये आ गया आपका फ्रंट कंसोल. ये जो इसके ये मिरर हैं ये एज ऑफ एसेसरी नहीं है, ये बाइक के साथ में ही आ रहे हैं और जो काफ़ी कूल लगते हैं. और ये काइंड ऑफ आपके जब आप थ्रॉटल देते हो तो उस टाइम पे टच भी नहीं होते हैं, तो ये अच्छे हैं और स्टर्डी भी हैं. तो फ्रंट में बात करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे LED इंडिकेटर, जो कि KTM की तरह है बट अच्छी क्वालिटी के हैं. KTM के भी अच्छी क्वालिटी के हैं, ये भी अच्छी क्वालिटी के हैं. एंड फ्रंट सस्पेंशन आ जाता है हमारे पास यहाँ पे 43mm डाया में, जो काफ़ी बल्की दिखता है और काफ़ी कूल भी दिखता है, और गोल्डन कलर में तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है. और ये देख सकते हैं आप इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज. और फ्रंट में हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 17-inch व्हील सेम एज KTM, एंड रियर में भी 17-inch व्हील सेम एज KTM, ड्यूक 200 और 390. और ब्रेक कैलिपर भी आपको वही मिलेंगे जो KTM में हैं, बाइब्रे वाले. और ये 4 पिस्टन वाले ब्रेक कैलिपर हैं. एंड जो फ्रंट जो इसकी डिस्क ब्रेक है वो रहेगी 310mm की. एंड जो स्क्रैम्बलर ट्रायम्फ आने वाली है उसमें ये 320mm की रहेगी, क्योंकि उसमें फ्रंट वाला टायर है वो 19-inch में आने वाला है. नेक्स्ट कूल थिंग इज़ ये टैंक. आप नोटिस कर रहे होंगे इस बाइक में रेड कलर ओनली टैंक पर है, और अगर आप टैंक चेंज कर देते हो आपकी बाइक का पूरा कलर चेंज हो जाएगा. और ये जो फ्रंट मड गार्ड है ये ग्रे में ही रहता है सभी मॉडल्स में, ब्लू वाले में भी ये सेम रहेगा. अगर आप इस पे ब्लू टैंक रख दोगे तो ये बाइक ब्लू बन जाएगी. सो लेटर यू कैन डू इट व्हेन यू गेट बोर्ड विद वन कलर. सो ये एक अच्छी बात लगी मुझे. यहाँ पे डिज़ाइन की थोड़ी बात करते हैं. यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे ये जो ग्रूव्स दिए गए हैं, यहाँ पे टैंक थोड़ा चैम्फर किया गया है ताकि जब हम टर्न ऐसे लें तो हमारे शॉकर से ये यहाँ पे डैंड ना पड़े. यूजुअली बुलेट में होता है जब बुलेट का हैंडल जोर से छूट जाता है या ऐसे इधर उधर होता है तो यहाँ पे मार्क्स पड़ जाते हैं या डेंट पड़ जाता है, तो इसलिए ये स्मार्ट इंजीनियरिंग अच्छी चीज़ है. एंड ये रही इसकी की. एंड बाइक में एंटी थेफ्ट फीचर भी है, दैट मीन ये बाइक खाली इसी चाबी के साथ स्टार्ट होगी. और इसमें ये जो रेड रेड कलर का जो ब्लिंक हो रही है बेल, ये इसी के लिए है. हेडलाइट डिज़ाइन इसका बहुत सुंदर लगा मुझे पर्सनली. देखिए ये जो एक्स इसमें पहले से बन के आ रहा है, वेरी कूल. LED हेडलैम्प है पूरा, ये पर ये लोअर. वेरी ब्यूटीफुल एंड हैजार्ड लाइट दिखा के हैं आपको, तो इसमें यू नो एक्सटर्नल फ्लैशर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है. क्वालिटी की मैं जितनी बात करूं उतनी कम है गाइस. अभी आप जैसे सीट ही नोटिस कर सकते हो, सीट में बहुत प्रीमियम स्टफ यूज़ किया गया है. और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी सिंपल है, ये वाला सेम है इट्स अपर सिबलिंग से ही बोरो किया गया है, जैसे कि हमारे पास ट्रायम्फ की जो ट्राइडेंट है उसमें भी इस लेवल का जो मटेरियल है वो यूज़ है. सो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसका रियर सब फ्रेम है वो डिटैचेबल है, बोल्ट ऑन है. अनदर कूल फीचर है बाइक का वो इसका ऑफसेट सस्पेंशन, रियर सस्पेंशन. और रियर वाले सस्पेंशन का ट्रैवल है 130mm, एंड जो कि स्क्रैम्बलर ट्रायम्फ में आने वाला है 140mm. सो ये ऑफसेट पे लोकेटेड है, बिल्कुल सेंटर में नहीं है, जो काफ़ी कूल लग रहा है. और थोड़ा सा अगर ये सस्पेंशन एक्सपोज रहता बाहर से दिखता तो मे बी ज़्यादा कूल होता, बट ठीक है, बाइक मॉडर्न क्लासिक बनाने की ट्राई है तो उस वे में काफ़ी अच्छा है. एंड ये जो छोटे छोटे बिट्स हैं
ये देखिए, ये एल्युमिनियम और एसएस फिनिश में है। ये छोटी छोटी हील प्लेट्स हैं, ये प्लेट हैं। अगर जैसे कोई अदर ब्रांड्स रहती तो भी क्या कहती, यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ कर देती या यहाँ पे भी कोई चीप मटेरियल यूज़ कर लेती, बट ये काफ़ी सुंदर तरीके से बनाए गए हैं, तो जो कि काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस बाइक को। और करते हैं अभी इंजन के बारे में भी बात करते हैं। इस साइड पे ये छोटा सा डिज़ाइन एलिमेंट भी देखिए, सुंदर लग रहा है। तो गाइस अब बात करते हैं बाइक के हार्ट के बारे में। बाइक में जो इंजन है वो TR सीरीज़ का ड्राइव का नया इंजन है, जो कि न्यूली डेवलप हुआ है। आई थिंक 4-5 सालों से इस इंजन पे काम चल रहा था और ट्राइम्फ ने काफ़ी R&D की है इस इंजन पे। और ये सेम नहीं है, जो कोई सोच रहे होंगे कि ये 390 है वो वाला इंजन है, तो ये डिफरेंट इंजन है। एंड दिस इंजन आल्सो है डबल ओवरहेड कैमशाफ्ट। पावर में कोई कमी नहीं आने वाली आपको। सो ये देखिए इंजन का डिज़ाइन, आप ट्राइम्फ का जो आइकॉनिक ट्राइंगल बनता है क्रैंक केस में, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और ये हीट सिंक के लिए देखिए, ये जो रिंग भी है ये भी बड़ा है, जो कि हीट डिसिपेट करने में काफ़ी हेल्प करता है। और मैं इसे लगभग 200 प्लस किलोमीटर चला चुका हूँ अभी, लॉन्ग राइड काइंड ऑफ, और मुझे हीट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बिल्कुल दिन धूप में चलाई है तो हीट तो नहीं हो रही है बाइक जितनी 390 होती है। और स्पेशली जो ये जो इसकी लो एंड टॉर्क है, जिससे हम इसे मार्केट या बाज़ार में लोअर स्पीड पे भी हम जैसे कि 4th या 5th गियर पे चला सकते हैं, वो लाजवाब है, जो 390 में बिल्कुल नहीं है। और बहुत फील होती है उस चीज़ की 390 में, कि भैया अगर हमें आराम से चलाना हो तो हमें पहला गियर डालना पड़ता है 390 में। सो ये एक इशू है 390 में। 390 और इसकी ट्यूनिंग थोड़ी अलग है, इसकी ट्यूनिंग थोड़ी स्मूदर है, लीनियर पावर देती है, पावर है काफ़ी बट लीनियर पावर देती है। बट 390 है, 390 बिल्कुल रॉ पावर देती है, जर्क देती है, झटका देती है। लेट्स सपोज मेरे को अगर ऑफिस क्यों कम्यूट करना है या कोई मेरे साथ पिलियन भी है, तो उस हिसाब से दिस वन इज़ बेटर। गाइस ये टेल लाइट देखिए आप, इतनी सुंदर टेल लाइट कौन देता है, वो भी 2,30,000 में। लिटरली कोई नहीं दे रहा आज की डेट में इंडियन मार्केट में। सो ये इन्होंने एक बहुत अच्छी जॉब करी हुई है ट्रायम्फ एंड बजाज ने, ये इंडिया वालों के लिए तो गिफ्ट है लिटरली। एंड एक चीज़ 390 और इसमें डिफरेंस ये है, सेम ये भी लिक्विड कूल्ड है, इसमें रेडिएटर लगा हुआ है, कूलेंट का रिजर्वायर नीचे है, बट 390 में आपकी ट्रेलिस फ्रेम आती है और वहाँ पे हीट डिसिपेट करने के लिए कोई जगह नहीं है। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने इंजन में फिन्स दे रखे हैं, वहाँ पे आपको इंजन में फिन्स नहीं मिलते हैं 390 में, इस वजह से भी वो थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाती है। यहाँ पे देखिए ये ब्लैक कलर में ये पाउडर कोटेड है इंजन, एंड ये मेटल फिनिश में 4 फिन्स दिए गए हैं, जो हायर स्पीड्स पे काफ़ी हेल्प करते हैं हीट डिसिपेट करने में, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा होगा। तो ये काइंड ऑफ एयर कूल्ड प्लस लिक्विड कूल्ड काइंड ऑफ इंजन बन जाता है। और अब बात कर देते हैं, कुछ प्लास्टिक बिट्स भी हैं, ये वाला पैनल जैसे कि प्लास्टिक है तो इतना तो चलता है। और रियर फेंडर देखेंगे आप, देखो यहीं पे ही ख़त्म हो जा रहा है, कितनी सुंदरता से यहीं पे ही ख़त्म हो जा रहा है सीट के साथ में। एंड ये ग्रैब रेल भी बिल्कुल प्रैक्टिकल है, पीछे से सपोर्ट भी देती है और आप हाथ भी पीछे से पकड़ सकते हो। और जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू यूज़ दिस बाइक फॉर टूरिंग पर्पस, आपकी जो माउंटिंग्स होगी वो इन चार, ये जो 4 LN key वाले हैं, LN key नहीं है, टॉक्स वाले हैं, तो इन पे माउंट, ये डायरेक्ट सब फ्रेम पे है, तो दैट मीन इट कैन टेक लोड। सो आप 10-15 kg तक तो आई थिंक ये कैरी कर लेगी बड़े आराम से। और इसमें टायर दिए गए हैं स्टील ब्रेस, MRF के स्टील ब्रेस, जो नए टायर है, जो MRF ने अपोलो वाले जो स्टील बेल्टेड टायर रहता है उसको कम्पीट करने के लिए निकाला है मार्केट में, बट आई पर्सनली लाइक अपोलो 1 बेटर। तो माय इनिशियल पॉइंट ऑन दिस बाइक इज़ आई लाइक दिस बाइक वेरी मच, और स्पेशली एग्जॉस्ट भी बहुत सुंदर है स्टील फिनिश में। आई लाइक इट अ लॉट। सो ये थे मेरे कुछ इनिशियल इम्प्रेशन अबाउट दिस बाइक। बाइक काफ़ी ज़्यादा सुंदर है और स्पेशली फिट एंड फिनिश टॉप नॉच, पावर बहुत अच्छी। हाँ एवरेज
एवरेज 30 to 35 देगी, इजीली देगी। और मैंने 200 किलोमीटर की राइड में MIDI पे तो दिखा रही थी 31-32, बट आई वाज स्पीडिंग नॉट दैट मच, बट 100 to 120, 6000 RPM से ऊपर नहीं लेके जा रहा था क्योंकि अभी इसका ब्रेकिंग पीरियड चला हुआ है। तो उसके बाद पोटेंशियल है बाइक में बहुत ज़्यादा, और 100-110 पे तो बहुत इजीली क्रूज़ करती है विदाउट वाइब्रेशन। इट कैन गो हायर लाइक अप टू आई थिंक 170, बट फॉर लाइक ईजी क्रूजिंग इट विल बी लाइक 110-120 विदाउट एनी एफर्ट। दिस बाइक गोना गिव रॉयल इनफील्ड सम सीरियस टफ टाइम, क्योंकि अभी बुलेट की हालत ऐसी है कि जो क्लासिक है वही बुलेट है और जो बुलेट है वही क्लासिक है। UC इंजन पूरी तरह से ख़त्म हो गया, जो पुश रॉड इंजन वाले इंजन थे, हाइड्रोलिक वाले इंजन थे, वो ख़त्म हो गए, तो सारे अब यू नो कैमशाफ्ट वाले इंजन है। तो उस वाले मार्केट में रॉयल इनफील्ड को अच्छा खासा चैलेंज मिलने वाला है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड या डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, सी यू वेरी सून।